दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, हर रोज बताने की कोई जरूरत नहीं है, बट बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। ये लाइन इतनी पावरफुल है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। बस दो लाइन ही समझे ना, मतलब रख हौसला, इतना हौसला रखे रहो आप, इतना धैर्य रखो अपने अंदर कि समुंदर भी आपके पास चलाए, उसे भी शर्म न लगे, उसे भी लाज ना आए कि आपके पास हम चल कर आ रहे हैं, बिल्कुल न लगे। एकदम ऊर्जावान हो जाइए, उसे लगे ये व्यक्ति प्यासा है, हम जाके इसे पानी पिला देंगे। लोग कहते ना, प्यासे हो तो कुएं के पास जाओ ना, पर वो कहता है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी चल कर आएगा। ठीक है, तो आपको वही एक धैर्य बनाकर रखना है, वहां तक पहुंचना है कि सामने वाला दौड़कर आपके पास और आए, जो आज इग्नोर कर रहा है आपको, एक दिन ऐसा आए कि वो भी आपसे समय लेकर, समय निकाल कर मिलने आए। ठीक है, तो यही से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात, हम लोग जैसे कि अभी कल की जो संसद था, पार्लियामेंट मैंने शुरू किया था, वहां पर मैंने बताया कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, आपको सारी सीढ़ियां चढ़ा दी थी। अब डायरेक्ट आ जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। ठीक है, वहां पर हमने आप सबको बताया संसद का गठन कैसे होता है, संसद में कौन कौन मिलकर बनता है। जैसे संसद में दो भाग होते हैं, कैसे, मैंने बताया कि राज्यसभा और लोकसभा दो सदन होते हैं और राष्ट्रपति जी होते हैं, आपके प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, वैसे ही विधानमंडल होता है। ठीक है, विधानमंडल में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद होती है, साथ में क्या बनते हैं, आपके राज्यपाल जी होते हैं। उनकी भी बात चर्चा आज हम लास्ट में करेंगे, कैसे कैसे ये एक दूसरे के पूरक है, अनुपूरक है, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा में। जितना आपको बोर्ड में पहले दिख रहा है, पहले इतनी बातें समझते हैं, फिर उसके बाद 5 से 7 मिनट में आपको पूरा राज्यसभा लोकसभा एक बार रिकॉल करा दिया जाएगा। बस आप धैर्य बनाकर बैठ कर ये क्लास देखें, आप इन्हें शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं इस क्लास को, ये आपका कर्तव्य है भाई। ठीक है, हमारा अधिकार है पढ़ाना, हम अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचा रहे हैं। जैसे बात कही गई लोकसभा की, लोकसभा की बात कही गई, लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है, ये आपके संसद के दो प्रमुख सदन है। ठीक है, तो इनकी बात कही गई, लोकसभा आपका आर्टिकल कितने में, 81 में, कितने में, 81 में। राज्यसभा की बात कही गई कि 80 में, मतलब 80 में। ठीक है, चलिए इनकी तुलना करते हैं। सबसे पहले तुलनात्मक इनको पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी, बाकी तो हम आपको एक एक चीज, एक एक लाइन अच्छे से बताकर चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहते हैं कि जो लोकसभा होती है उसे जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है। जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष चुनाव करती है। जैसे आपको पीएम का चुनाव होता है तो आप क्या करते हैं, आप पीएम को, तो डायरेक्ट पीएम कहाँ पर चुने जाते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, आप किसे चुन रहे हैं, आपके यहाँ से कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, वो बीजेपी का है या कहाँ का है, वो आपको पता रहता है, उसी हिसाब से क्या करते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, मतलब चुनाव करते, प्रत्यक्ष चुनाव करते। लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता चुनाव नहीं करती। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आप वोट देने जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं। तो कहते हैं कि यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ ही बातें आपको बताई है और कुछ बातें ओरल बताएंगे, वो आप सुनेंगे, क्योंकि पीछे ये बातें हम राष्ट्रपति जब पढ़ाए थे वहां पर बता चुके हैं। अगली बात इसमें कही गई कि ये जो लोकसभा होती है ना, लोकसभा लोकप्रिय चर्चित सदन होती है। क्यों लोकप्रिय और चर्चित सदन होती है, क्योंकि यहाँ पर जनता चुनती है भाई, तो जनता का यहाँ पर सुना भी जाता है। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, जनता की सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि जनता द्वारा आपके प्रधानमंत्री बने, सोचिए कि आप लोगों के अंदर कितनी पावर है कि आप ही अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ठीक है ना, तो जनता चुनती है, जनता ही सब कुछ है इस देश में। ठीक है, इसमें क्या है, ये चर्चित होती है, किस लिए, जो जनता चुनती है, इसमें शिक्षितों, इसमें क्या है, शिक्षकों, मतलब शिक्षित लोगों का, शिक्षित का सदन होता है। ये क्या है, शिक्षित लोगों का सदन होता है, इसमें आपको वरिष्ठ मिलेंगे, बहुत ही जो क्या कहते हैं, अनुभवदार व्यक्ति मिलते हैं, किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, इसका कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या लोकसभा का कार्यकाल, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसका क्या किया जा सकता है, इसका विघटन हो सकता है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अगर आपका बहुमत जो है वो गिर गया तो आपकी तो सरकार चली गई ना। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक समय ऐसा आया था कि बहुमत गिर गया था, तो उनकी क्या, सरकार चली गई, गिर गई, सरकार गिर गई। ठीक है, लेकिन
सरकार गिर गई तो ये क्या है, आज साय 5 वर्ष से पहले ही वो सरकार गिर गई, बहुमत खत्म तो सरकार खत्म, सीधी सी बात आप ऐसे समझे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, कितने, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। साफ साफ लाइन समझेंगे, कभी कभी ना एग्जामिनर क्या करता है ऐसे पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष 6 वर्ष 4 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इतना मतलब ये प्रश्न देकर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि अरे राज्यसभा पूछा 6 वर्ष ही तो होता है, खट से गए और खट से लगाए और फिर उसके बाद क्या कर दिए, काला कर दिए, गलत हो गया। तो उत्साहित हो बट ऑप्शन अच्छे से और प्रश्न अच्छे से पढ़ने के बाद। विघटन नहीं होता है, और विघटन नहीं होगा तो क्या है, ये एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता, ये एक स्थायी सदन है, ठीक है। दूसरी बात कही गई, बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं, पीएम की ये प्रथम सदन है, पीएम के लिए अगर बहुमत कहाँ बनेगा, लोकसभा में, और लोकसभा में बहुमत बना तो पीएम आपके बनेंगे, लेकिन इसके बहुमत से पीएम नहीं बन सकते हैं। द्वितीय सदन ये क्या है, दूसरा, सिर्फ राज्यसभा में बहुमत हो और सोचे पीएम बन जाएंगे तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है, ऐसे सिंपल सी लाइन में समझे। इनकी आयु कितनी होती है, 25 वर्ष। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो आप पीएम बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। आज का युवा एकदम पीएम बनने की योग्यता रख रहा है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। आपके लोकसभा को क्या कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है, क्योंकि 25 वर्ष 21 वर्ष 22 वर्ष के बाद तो भारतवासियों की बुद्धि खुलती है कि अरे चलिए अब हम पढ़ लेते हैं, अब हम 21 वर्ष के हो गए ना। इसकी आयु क्या होती है, 36 वर्ष होती है। कितनी होती है आपकी, 30 वर्ष होती है। किसकी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना, की आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बूढ़ों का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूढ़ों का सदन कहा जाता है। आप 25 से जब 30 साल के जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। इसमें जो अधिकारी होते हैं लोकसभा में, इसमें क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं आपके, उपाध्यक्ष होते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी यही पढ़ा दीजिए, तो धैर्य रखें, जैसे मैंने पहले लाइन बोली, धैर्य रखें। अभी आप सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो वहां फोकस करिए, फुदक फुदक के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपको सारी बातें बताई जाएंगी, ठीक है। इसमें कौन अधिकारी होते हैं, इसमें सभापति होते हैं और उप सभापति होते हैं। अगर इनको एक क्या करना होता है, त्याग पत्र देना होता है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में त्याग पत्र दे देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष को दे देंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर आती है यहाँ पर मैक्सिमम सीट कितनी है, मैक्सिमम सीट तो आपकी 552 है और ये यथावत 2026 तक बनी रहेंगी, 84वें संविधान संशोधन में भी ये बात कही गई, ठीक है, आपकी जनगणना 1971 के अनुसार, ठीक। लेकिन प्रेजेंट में कितनी है, तो मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी और आज फिर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। प्रेजेंट में 545, कैसे उसकी बात करेंगे। यहाँ पर दो आंग्ल भारतीय या आंग्ल इंडियन भी क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। मैंने आंग्ल इंडियन की बात बहुत अच्छे से समझाई थी, जो यूरोपवासी हमारे भारत को गुलाम बनाकर रखे थे वो आए, और जब हमारा भारत क्या हुआ, स्वतंत्रता की ओर अग्रसित हुआ, मतलब स्वतंत्रता की ओर बढ़ा, और जब अंग्रेज जाने, क्योंकि अंग्रेज ही लास्ट तक थे, जब अंग्रेज जाने कि अब ये भारतवासी हमें मतलब अपने देश को स्वतंत्र कर कर ही मानेंगे, तो सारे के सारे पूर्त डच डेनिश फ्रेंच जो भी आए थे सब यूरोपी थे, ठीक है। तो यूरोपी यहाँ आए तो, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ पर शादी भी किए कुछ ऐसे, उनके लिए शादीवादी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हुआ करता था, जैसे अपने भारत में कि ये संस्कार ये संस्कृति है, उनके लिए कुछ नहीं था, वो आज इनसे किए कल उनसे कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या किए, यहाँ भारत तो आए, लेकिन जब जाने देश स्वतंत्र होने के एकदम कगार पे पहुंच गया, एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया कि अब तो हमको भारत छोड़ना ही पड़ेगा, तो क्या किए, सब के सब अपने भाग गए, लेकिन जो उनके बीवी और बच्चे थे उनको यहाँ पर छोड़ गए, उन्हीं को, वो क्या है आपके एंग्लो इंडियन है, ठीक है, उन्हीं के बच्चे उन्हीं का परिवार जो है उनको क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन। इनको ना बड़ी गंदी नज़रों से देखा जाता है, मतलब ये कहने की बात नहीं, इन लोगों को बड़ी गंदी नज़रों से, क्योंकि अब इनको तो पता ही नहीं रहता ना कि हमारा पिता कौन है, हमारी माँ तो भारतीय है, पिता तो यूरोपी था, ठीक है, अब वो तो भाग गया, तो इनको ना मतलब समुदाय समाज बड़ी गंदी नज़र से, इसलिए इन्हें मतलब जगह दी गई, धीरे धीरे जगह दी गई, और फिर इसमें संशोधन भी किया गया। अगर इनमें से 545 या 500, अभी आगे बात करेंगे, 545 वर्तमान में कैसे कैसे चुने जाते हैं, और जो आपके आंग्ल भारतीय हैं वो आर्टिकल 331 के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, इतनी बात आप मोटी मोटी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, आपके राज्यसभा में मैक्सिमम कितने होते हैं, 250, कितने होते हैं, 250, वर्तमान में कितने हैं, 245, 12 सदस्य आपके क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, किससे, आर्टिकल 80A या 80 का से, ए इसे भी इंग्लिश में ए कर सकते हैं, हिंदी में इसे
का कह सकते हैं, ठीक है, ए फॉर एप्पल, का फॉर कबूतर से, ठीक है, तो आप ऐसे ही इन्हें समझ सकते हैं। तो 12 सदस्य मनोनीत कहाँ से होंगे? 12 सदस्य आपके साहित्य, कला, विज्ञान, कुछ हस्तियों से होते हैं। कहाँ से होते हैं? साहित्य, कला, खेल, समाज सेवा और हस्तियों के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति जी इन्हें मनोनीत अनुच्छेद 80A के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। आगे बात कही गई है इसमें, राज्यसभा में किसी राज्य के कितने सदस्य होंगे ये राज्य की जनसंख्या तय करेगी। जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें राज्यसभा में है। कितनी सीटें? 31 सीटें। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की तो सबसे अधिक सीटें भी हैं आपकी। कितनी? 31 सीटें, ठीक है। तो जनसंख्या इसलिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य कितने हैं? तो 31 सदस्य होते हैं, 31 सीटें होती है आपकी, ठीक है। ये बात हो गई आपकी लोकसभा और राज्यसभा, कितने अच्छे से समझ में आई होगी आपको, ठीक है। कुछ चीजें जो इसमें नहीं कही गई वो हम यहाँ पर बता देते हैं। यदि किसी सीट के लिए उपचुनाव होते हैं, मान लीजिएगा किसी सीट के लिए उपचुनाव राज्यसभा में हो रहे हैं, ठीक है, राज्यसभा में किसी सीट के लिए उच्च चुनाव हो रहे हैं, तो उपचुनाव जीते हुए सदस्य की पदावधि जितनी शेष बची थी, मान लीजिए कि 3 वर्ष हो चुका था और बचेगा कितना? 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो जो उपचुनाव होगा तो वो बचे हुए ही कार्य के लिए माना जाएगा। ये नहीं कि आप आज उपचुनाव हुए हैं तो हम आज की तारीख से फिर से 6 साल होंगे, ऐसा कुछ नहीं। आज की तारीख से जितना समय बीत गया और जितना बचा हुआ उतने के लिए ही उपचुनाव होंगे, ठीक है। तो कहा गया पदावधि शेष अवधि के लिए ही होगी, पूरे 6 वर्ष के लिए नहीं होती है, ठीक है। इतनी बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया कि इसको मैं बहुत अच्छे से समझाना चाह रही थी कि आपके दिमाग में एकदम घुस जाए। चलिए देखते हैं। तो बड़ा छोटा छोटा लिखा है लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है समझ जाए, क्योंकि हम बताते चलेंगे आपको। कहते हैं लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी होगी? 552। कितनी होगी? 552। और निर्वाचन चुनाव कहते हैं या निर्वाचन ये चुनाव कितने का होगा? तो 550 का होता है आपका। कितने का होता है? 550 का। और दो क्या होते हैं आपके? एंग्लो इंडियन होते हैं या इंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या हो गया है? इसमें से 530 का राज्यों के लिए होगा। 530 सीटें कितने? राज्यों के लिए। और 20 सीटें क्या होंगी आपकी? यूटी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अब यूटी की बात आई है तो अभी वर्तमान में आपके 8 यूटी और 28 राज्य है, ठीक है। इनकी बात आपकी भाग 8 में हम करेंगे। भाग 5 में जैसे केंद्र है, भाग 6 में आपका राज्य है, भाग 7 आपका हटा ही दिया गया, भाग 8 में हम केंद्र की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए कितने? 550 हो गए, ठीक है। कितने हो गए आपके? 550 और 2 ये थे, ठीक है, तो 552 हो गए। अब वर्तमान में क्या किया गया है कि अब 545 सीटें हैं। कितनी है? 545 सीटों। तो ये क्या है? ये जो 20 सीटें हैं ना, जो आपका ये कश्मीर वाला मुद्दा उठता है, ये कश्मीर वाला, तो यहाँ पर क्या है? पाक अधिकृत केंद्र है, पाक अधिकृत है, ठीक है। पाक अधिकृत है मतलब यहाँ पर पाकिस्तान जब आपका भारत आजाद हो रहा था तो यहाँ पर आके घुस के क्या कर लिए, मतलब कब्जा कर लिए। तो ये यहाँ की भी 5 सीटें भारत निकाल के रखा है और आने वाले समय में, भविष्य में ये अपना ही रहेगा, अपना होकर ही रहेगा ये, ठीक है। इसलिए 5 सीटें वहां की हट जाती हैं। तो वर्तमान में क्या होता है, यूटी से 20 की जगह कितनी सीटें आती हैं? सिर्फ 13 सीटें आती हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे यूटी से कितनी सीटें आती हैं आपकी? 13 सीटें आती हैं। और यहाँ से देखो अब 13 ही हो गई और 530 सीटें आपकी कहाँ से होती है? राज्य से होती है। और 2 सीटें आपकी कहाँ से होती है? अंग भारतीयों की हो जाती है। तो ये मिलाकर टोटल कितनी हो जाती है? 545। शायद अब बात समझ में आ गई होगी, कल मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया था तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा, किसकी बात करेंगे, इतना मिटाते हैं हम लोग, और बात करेंगे संसद और विधानमंडल की। बहुत अच्छे से एक बार दिमाग में बैठाएंगे, बार बार उसको रटना न पड़े। तो इधर लिख लें आप संसद, संसद क्या है? केंद्र की है। इधर क्या लिखेंगे? विधानमंडल। क्या लिखेंगे? विधानमंडल। विधानमंडल कहाँ है? राज्य की है, ठीक है। तो इसमें कौन मिलता है आपका? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट आप कहाँ लिखे? यहां लिखे प्रेसिडेंट, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे? जो लोकसभा है वहां क्या होगी? विधानसभा। और क्या होगी? प्लस विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होगी। और यहां पर क्या लिखे आप? राज्यपाल लिखे। राज्यपाल को क्या कहते हैं? गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल। इधर भी हिंदी से ही लिख लो भाई, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं क्या इनकी मतलब आपस में क्या मेल खाते हैं ये सब, ठीक है, आपको याद करने में कितनी आसानी होगी। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तब भी आपको कितनी है चाहिए? 25 वर्ष।
प्रधानमंत्री बनना है तब भी 25 वर्ष, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बनने के लिए, अरे मतलब राष्ट्रपति तो ये है, राज्यसभा में जाना है और विधान परिषद में जाना है तो कितनी एज चाहिए? 30 वर्ष। और अगर आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल बनना है तो कितनी एज चाहिए? 35 वर्ष। है ना, कितनी कमाल की बात। तुलना करके पढ़ें, कितना अच्छे से आपको ये कंटेंट समझ में आएगा, ठीक है। एक ही बोर्ड पर, एक ही मतलब लेसन पर, एक ही वीडियो पर सारी राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, इसे हम लोग रिकॉल कर लेंगे एक बार, एकदम मोटा मोटा। तो रिकॉल कैसे करेंगे, हम आपको अपनी नोट्स से बताते हैं। तो जैसे मैंने राज्यसभा बता दिया, अब लोकसभा बताते हैं। लोकसभा में जैसे मैंने बताया कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, क्या अस्थायी, इसका विघटन समय समय पर, इसकी सामान्य अवधि 5 वर्ष है, परंतु लेकिन 5 वर्ष से पहले इसका विघटन किया जा सकता है, ठीक है, विघटन कर सकता है। संसद 5 वर्ष के बाद भी इसकी अवधि बढ़ा सकती है। संसद चाहे, आपकी पार्लियामेंट चाहे, तो लोकसभा की जो 5 वर्ष है उसे 6 वर्ष के लिए भी बढ़ा सकती है, ठीक है ना। संसद इसकी अवधि बढ़ा सकती है, लेकिन तब जब आपातकाल हो, या अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यदि किसी आपातकाल समाप्त हो जाता है तो यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होगी। जैसे आपातकाल खत्म हो गया, अब आप सोचे 1 साल के लिए लोकसभा की मतलब अवधि बढ़ा दी जाए, तो ऐसा नहीं है, अब 6 महीने के अंदर सब कुछ वहां निपटाना होगा, ठीक है। अगला है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, पहली बात कही गई है। यह निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के द्वारा होता है, अर्थात जिसे सर्वाधिक मत मिलते हैं उसी की जीत होती, वही क्या बनता है, आपका प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। लोकसभा में 330 के लोकसभा में लिख ले भाई, वैसे ये बात हम अगली वीडियो में बताना चाहते थे। लोकसभा में 330, आर्टिकल 330 के द्वारा किसका, एससी एसटी के लिए क्या कहा गया है, आर्टिकल 330 के अंतर्गत एसटी के एससी के लिए 84 सीटें, कितनी सीटें, 84 सीटें, याद रखेंगे कितनी सीटें, 84 सीटें, और एसटी के लिए कितनी, 47 सीटें, ठीक है। 84 और 47 आर्टिकल 330 के अंतर्गत दी जाती है, आरक्षित की गई, ठीक है। ये बात हो गई आपके राष्ट्रपति जी की, अरे मतलब सॉरी लोकसभा की हो गई, ठीक है। तो इतनी बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई होगी। अब आप जल्दी से ये सारी चीजें एक बार 2 की स्पीड में लगाकर वीडियो फिर से देख डालेंगे, आपको लोकसभा राज्यसभा सब कुछ एकदम इत्मीनान से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए इससे सरल भाषा में लोकसभा राज्यसभा कोई नहीं समझा सकता, आप समझने का प्रयास किए होंगे तो जरूर समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे हम लोग किसकी, संसद सदस्यों की योग्यता कैसे कैसे ली जाती है, उनकी बात बताएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में बहुत इज्जत मिलते हैं, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।